बहुत ही डीप केव में बैठ के बात कर रहे हो हमसे। लेकिन एनीवेज कुछ ये बताइए, ये पेटीएम के चार्ट्स कुछ कह रहे हैं क्या, या अलग रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए? आज बोर्ड मीट है, बायबैक को लेके कुछ लोग एक्साइटेड हो सकते हैं। जी हाँ जी, एक माइनर टेक्निकल ग्लिच था, आपका इशू आई थिंक सॉर्ट हो गया है। देखिए, पेटीएम में मैं कहूंगा फिलहाल नो, डोंट टच इट इवन विद अ बार्ज पोल। ये जो यू नो अपमूव आ रहा है, आई थिंक द इन्वेस्टर कम्युनिटी इज नॉट यू नो एंटायरली कन्विंस्ड अबाउट द यू नो बायबैक एज वेल। तो यू नो जहां पे इतना यू नो ऑलरेडी डिवाइडेड हाउस है और स्टॉक का परफॉर्मेंस इतना लैग कर रहा है, मैं कहूंगा इसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। एक जंप देखा है हमने बिल्कुल, इसकी जो यू नो न्यूज, ये जो फिजिकल मीटिंग, जो यू नो इन पर्सन मीटिंग हुई है उसके चलते, बायबैक के न्यूज के चलते, बट ये सस्टेनेबल नहीं लग रहे हैं। देर आर अ लॉट ऑफ क्रिटिकल लेवल्स जहां पे सप्लाई आ सकता है, एंड द वेरी फर्स्ट वन ऑफ देम बीइंग यू नो 550 560 के जो जोन्स हैं इसके आसपास में। तो मेरे हिसाब से अगर आपने यू नो निचले स्तरों में बाय किया है तो लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज रादर देन एनी फ्रेश एंट्री। एंड स्पेशली नाउ जब यहाँ पे यू नो मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देन इट्स अ बेटर आइडिया टू यू नो स्टिक विद द वंस दैट आर डूइंग वेल। जिस हिसाब से शेयर टूटा है ना 75%, ऐसा लगता तो है कि ये प्राइसिंग थोड़ा एग्रेसिव रखेंगे, बट वॉल्यूम शायद थोड़ा कम होगा, पैसे ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए बायबैक छोटा हो सकता है, बट थोड़ा प्राइस से ऊपर रख सकते हैं। बस ये एक मार्केट में चर्चा चल रही है जो मैंने एडिशन के तौर पर आपके सामने रखी। खैर, जरा जल्दी से कुछ एक टेक्निकल्स ब्रेकआउट वाले शेयर्स आपके सामने डिस्कस करते हैं। नेस्ले, क्या ये शेयर चलेगा अजीत? आज प्लस करें और प्लस करके टिल एक्सपायरी तक रखें नेस्ले इंडिया, जरा चेक कीजिए तो आप। बिल्कुल नहीं, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, साथ ही साथ वॉल्यूम्स में भी अपटेक देखने को मिल रहा है, तो कोई भी ऐसा यू नो इंडिकेशन नहीं है कि ये पॉज होना चाहिए मूव। इनफैक्ट नए रिकॉर्ड हाई बनते हुए देख सकते हैं आप इसमें, और स्टॉप लॉस करिए 2180 का आप मेंटेन करें इसमें, 20180 का मेंटेन करें, करीब करीब 21100+ तक के टारगेट्स आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये पाइप कंपनीज कल भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, जेटीएल इंफ्रा को लेके आई है, 340 वाला जो भाव है, जेटीएल इंडस्ट्रीज पाइप कंपनी है, कल भी 5-6% ऊपर था, आज भी 0.5% ऊपर दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट प्री ओपनिंग में। इसको देख के बताएंगे मंदार ज़रा चार्ट्स पे, लास्ट 7 दिन में करीब 40 रुपये चला है ये स्टॉक। अजय जी, सही बात कही आपने, और अच्छे खासे यानी पिछले 2 महीने का चार्ट देखते हैं तो एक अच्छे खासे अपट्रेंड में बना हुआ है, यानी वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। 190 से ये स्टॉक करंट लेवल्स तक चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मोमेंटम और बाकी थोड़ी सा इनका जवाब सुनाई दिया, बाकी फिर ऑडियो इशू हो गया, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ और स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं, टाटा मोटर्स पे एक बार नजर डालिए।